प्रेत शाप है, शिशु शाप है, बाल शाप है, कन्या शाप है, ब्राह्मण नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार का गया एक ऐसा पावन स्थल है जहां पर हर कोई अपने परिजनों के मोक्ष के लिए पिंडदान करने पहुंचता है। क्या आम और क्या खास, यहां पर हर कोई एक समान होता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है गया में पहुंची, अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए वो वहां पर आई थी और किस प्रकार उनका स्वागत हुआ आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार उन्होंने विधि विधान से सारी पूजा की। बाल शाप है, कन्या शाप है, स्त्री शाप है, ब्राह्मण शाप है, देवता शाप है, आदि नाम बाल ताड़न है, बाल दर्जन है, बाल हिंसन है, और वहाँ पर क्या कुछ हुआ, किस प्रकार आगमन हुआ, ये सारी जानकारी वहाँ के पंडित बता रहे हैं। जी, आज जो है, आज या कल ही आए थे अपने भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एवं उनके माता पिताजी, एक और उनके साथ शहीद बच्ची है, उनका परिवार है, चार लोग ही आए हैं, बाकी उनके गार्ड वगैरह आए हैं साथ में। तो कल कुंती अर्चना के वह माता पिता को लेकर के आए हैं गया में श्राद्ध कराने। जो आज कल कुंती अर्चना की शुरुआत में की, आज जो है फल्गु विष्णु श्राद्ध की, अभी कांचीपुरम मठ में ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे, उसके बाद स्नान पंडदान करेंगे और यात्रा के लास्ट विसर्जन अक्षवट में श्राद्ध का विसर्जन करेंगे और मित्र मुख्य कार्य के लिए ही। कहाँ देवघाट में, ये पहले देवघाट, ये फल्गु नदी किनारे तट पर देवघाट, और देवघाट के बाद विष्णुपट, विष्णुपट के बाद अभी भोजन जो ब्राह्मण का कराएंगे वो कांचीपुरम मठ में अच्छे बट अक्षय भी जाएंगे वहीं से सुबह। जी जी, वहाँ सुबह होगा तो विसर्जन अक्षवट नहीं होता, ये परम्परा आपका वैचित्र पुरोहित सेवक नारायण सब सेवक जी हुई है। अपना परिचय बता दें। हम अपना परिचय बता दिया, व्यातंत्र पुरोहित नारायण सत्सेवक विपिन भैया। तो सुना आपने, जब निर्मला सीतारमण वहां पहुंची तो वहां पर पहले से ही बीजेपी के जब तमाम कार्यकर्ता जो थे उनके स्वागत के लिए मौजूद थे, और जैसे ही उनका आगमन गया की धरती पर हुआ सभी लोगों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। और जैसा कि पुजारी ने बताया, देर शाम ही सर्किट हाउस पहुंची थी जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया विष्णुपद मंदिर में। उसके बाद उन्होंने पिंडदान और तर्पण किया, जिसके बाद पूजा अर्चना की, और उसके बाद ही बोधगया महाबोधि मंदिर में जाकर भगवान बुद्ध का दर्शन भी किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।